अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हमने जो है ब्लास्ट के ऊपर एक लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज जो इस लेक्चर का जो थर्ड पार्ट है, जबकि आपने मेरे सेकंड पार्ट में सुना होगा कि हम ब्लास्ट के रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। वो सिंपल रिजल्ट जो भी ब्लास्ट के आउटपुट पेज में आते हैं उसको मैंने आपको बताया था कि कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उन रिजल्ट को कैसे हम एनालाइज करते हैं और किस तरीके से हम अपने रिसर्च में उसको यूज़ कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर है वो ट्रूली सोली होगा कि हम ब्लास्ट को यूज़ करके किस तरीके से म्यूटेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़ा ही नॉवल टॉपिक है, बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक है और बेसिक लेवल पे हम म्यूटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट सीक्वेंस आते हैं, उन सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं, उनके कंपेरिजन से हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर कौन सी म्यूटेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट म्यूटेशन जो वो स्निप होती है, जिसमें हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम ब्लास्ट को यूज़ करके हम स्निप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा जो है वो सारे का सारा होगा स्निप्स के ऊपर या म्यूटेशन को फाइंड आउट कैसे करते हैं ब्लास्ट के ऊपर। जी नाज़रीन और हाज़रीन, जो हमारा ब्लास्ट का जो आखिरी लेक्चर है, जो पार्ट इसका थ्री है, उसका जो है आपको म्यूटेशन के बारे में बताना था कि हम ब्लास्ट को यूज करके म्यूटेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम जो मेरे पिछले लेक्चर में था, जो ब्लास्ट का आउटपुट पेज है जिसको हम रिजल्ट का पेज भी कहते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन में हम डिस्क्रिप्शन, ग्राफिक समरी, अलाइनमेंट और एग्जामी की बात की थी। उसमें आप आ जाए अलाइनमेंट के ऊपर, ये थर्ड वन पे अलाइनमेंट जब क्लिक करेंगे तो हमें जो है वही जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, एक सीक्वेंस की जो जिसके साथ रिजल्ट में जो सीक्वेंस आया है उनके साथ हेड टू हेड जो है अलाइनमेंट नजर आ जाएगी। 1 से लेकर 60 तक एक रो में आएंगे, फिर 61 से लेकर दूसरी जो है आगे उसमें जो है 1 to 1 0 तक जाएंगे वो। अब यूँ नीचे आए तो ये एक सीक्वेंस के साथ होगी, दूसरे सीक्वेंस के साथ होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर म्यूटेशन कौन कौन सी हैं? तो मोस्टली स्टूडेंट जानते हैं चीज़ से कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सी है, नीचे क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो इसको हम अपने बायोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में कहते हैं कि ये यहाँ पे मिसमैच है। तो मिसमैच हमें क्या कहती है, ये है पॉइंट म्यूटेशन। यानी कि सी है तो नीचे भी सी होना चाहिए, लेकिन ऊपर सी है, नीचे यहाँ पे क्या आ रहा है, टी, तो ये मिसमैच है, इसको हम म्यूटेशन की कैटेगरी में ले जा सकते हैं। लेकिन ऐसे ढूंढना या सर्च करना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ब्लास्ट को यूज़ करके आप म्यूटेशन को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। वेरीफाई नहीं कह रहा, आइडेंटिफाई। वेरीफाई करने के लिए और बड़े टूल्स हैं, हम बाद में कहीं और लेक्चर में आपको बताएंगे। तो आपने क्या करना है, आपके पास जो भी सीक्वेंस होगा आप इसको ब्लास्ट करना, जब रिजल्ट पेज पे आ जाएं तो अपने अलाइनमेंट पे आ जाना। अलाइनमेंट में नीचे तो लिखा हुआ है अलाइनमेंट व्यू, इसमें लिखा हुआ है पेयर वाइज, इसमें डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करें, पेयर वाइज विद डॉट, क्यूरी एंकर्ड विद डॉट फॉर आइडेंटिटी। तो आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है पेयर वाइज विद डॉट फॉर आइडेंटिटी, इसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो विंडो रिफ्रेश होगी, लोड करेंगे दोबारा, हम देखेंगे हमारे पास जो रिजल्ट्स आप नीचे नजर आएंगे उसमें डॉट्स नजर आना शुरू हो गए हैं। पहला सीक्वेंस जो हमने दिया था वो और जिसका सिमिलरिटी आ रही है सेम है। हम दूसरे सीक्वेंस में जाएं, आपको क्लियर नजर आएगा। अब देखें दूसरे सीक्वेंस पे, यहाँ पे जब हम आए हैं तो हम देखें हमारे पास जो ऊपर क्यूरी जो हमारा अपना सीक्वेंस है वो और नीचे जो डॉट्स है, डॉट्स का मतलब है कि जो नीचे वाला सीक्वेंस जिसके साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है वो डेटा बेस ने दिया है। जहाँ जहाँ डॉट है मतलब वो सिमिलर है, जहाँ डॉट नहीं है, जहाँ पे कोई अल्फाबेट लिखे हो जैसे टी लिखा हुआ है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ए लिखा है, यहाँ पे सी, ये जितनी भी आपको ये नजर आ रहे हैं, ये जो आपको रेड कलर में जो है हाईलाइटेड न्यूक्लियोटाइड नजर आ रहे हैं, ये सारे क्या है, म्यूटेटेड या वहाँ पे मिसमैच है। तो इनको हम म्यूटेशन की कैटेगरी में ला सकते हैं। अब नीचे आ जाएं तो यहाँ भी आपको नजर आ रहे हैं। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करें, जितने भी सीक्वेंसेस आपके पास टॉप 100 है उनके दरमियान म्यूटेशन आपको ये बताएगा कि आपके सीक्वेंस के दूसरे से म्यूटेशन क्या है। अब इसमें आसान तरीका क्या है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल इसको म्यूटेशन का नाम कैसे देते हैं, जो आप देखो डिफरेंट आर्टिकल म्यूटेशन का नाम लिखा होता है, तो यहाँ देखें ये 61 है, यहाँ से जो सीक्वेंस स्टार है 61 है, 61 पे जी है, 62 पे सी है, फिर 63 पे जो है वो सी है, और फिर 64 पे टी है, और 65 पे ए है, और 66 पे क्या है, सी है। जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड 66 पे वो क्या है, सी है, वो आगे रिप्लेस हो रहा है किससे, टी से। तो मतलब है यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मिसमैच, या इसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, या इसको हम कहते हैं ये स्निप है। इसका नाम कैसे रखते हैं, इसका बड़ा आसान नाम है। हम पहले सबसे पहले देखेंगे कि वो सीक्वेंस कौन सा है जो रिप्लेस हो रहा है, वो सी है, किसके साथ रिप्लेस हो रहा है, वो टी के साथ रिप्लेस हो रहा है, यानी कि साइटोसिन रिप्लेस हो रहा है टायरोसिन के साथ, किस पोजीशन पे हो रहा है, वो हो रहा है 66 पोजीशन पे। तो इस म्यूटेशन का हम नाम रखेंगे C66T। तो यूँ हमारे पास इस म्यूटेशन का ये नाम आ जाएगा, इसको आप अपने आर्टिकल्स में और कहीं भी आप उसको ऐसे रेफर कर सकते हैं। तो यूँ हम इस टूल को यूज़ करके ब्लास्ट को हम डिफरेंट किस्म के म्यूटेशन जो फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर क्या ये म्यूटेशन ठीक है, वाकई यहाँ पे आई है, या सिक्वेंसिंग एरर है, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के टूल्स होते हैं जिनसे हम म्यूटेशन आई है इसको हम वहाँ जाके वेरीफाई कर सकते हैं। वो आप जितने टूल से वेरीफाई करेंगे उन तमाम वेरीफाई टूल का रिजल्ट अगर सेम आता है वो म्यूटेशन को कहते हैं कि ये वाकई यहाँ पे म्यूटेशन है इस पोजीशन पे, इस न्यूक्लियोटाइड को ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से चेंज होता है, तो हमारे पास हम कहेंगे वाकई यहाँ पे म्यूटेशन है। और फिर हम इसको फर्दर जो है अपनी जो लेकर लैब में वेरीफाई कर सकते हैं बाय PCR और डिफरेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टेक्निक के जरिए। तो आज का जो लेक्चर है इसमें मैंने ये आपको बताया कि म्यूटेशन कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, उसका नाम कैसे रखा जाता है, क्योंकि इनमें जितने भी हमारे पास सीक्वेंसेस हैं, जो भी म्यूटेशन यहाँ पे आई, जैसे सी टी से हुआ है, जी सी से हो रहा है, जहाँ जहाँ म्यूटेशन, इसका नाम रखना जरूरी है, इसको आपको म्यूटेशन का नाम आना चाहिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ क्यूरी सीक्वेंस से जाके उसकी पोजीशन देखनी है और जो सीक्वेंस चेंज हो रहा है उसका नाम पहले लिखें, जो जी है
अब वो चेंज हो रहा है 129 पे हो रहा है चेंज फॉर एग्जांपल, तो आपने G129 नीचे आपने C लिखेंगे, क्योंकि जितनी म्यूटेशन के वेरीफाइड टूल है वो आपसे तीन चीजें रिक्वायर करते हैं। अगर आप म्यूटेशन का नाम रख लें तो आप वहां पे जाकर ये तीन चीजें लिख सकते हैं, पहला वो सीक्वेंस जो एक्चुअल है, फिर किस पोजीशन पे हो रहा है, फिर किसके साथ हो रहा है। जब आप तीन वहां पे इनपुट फाइल देंगे तमाम वेरीफाइड टूल में तो वो आपको आगे उसके बाद आप उसको रिजल्ट जब उसके डिमांड करेंगे तो आपको रिजल्ट वेरीफाई करके देगा वो कि वाकई यहां पे म्यूटेशन है या नहीं है। अगर तो म्यूटेशन वहां पे है तो ठीक है, नहीं तो वो भी आपको बता देगा। अगर आप चार टूल्स यूज करते हैं, चार में से आपको तीन कहते हैं म्यूटेशन है, एक कहता नहीं है, तो आप तीन की बात सुनेंगे, एक की बात नहीं सुनेंगे। तो जो मेजॉरिटी ऑफ टूल्स आपको रिजल्ट देंगे वो आपके ऑथेंटिक रिजल्ट होंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि लास्ट के सारे लेक्चर आपने सुने होंगे जिसमें पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट वन में हमने होम पेज को डिस्कस किया था, और पार्ट टू जो था उसमें हमने ब्लास्ट पे कैसे सीक्वेंस इन करते हैं और कैसे हमें उसका इनपुट से आउटपुट फाइल मिलती है जिसमें हम डिफरेंट रिजल्ट्स देखते हैं और रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और फिर पार्ट थ्री जो था उसमें जो कि बहुत अप्लाइड ऑफ आर रिसर्च कि हमने म्यूटेशन को फाइंड आउट करना हो तो हम ब्लास्ट को कैसे यूज करते हैं, म्यूटेशन कैसे फाइंड आउट होती हैं, और इन म्यूटेशन को हम अपने रिसर्च में या थीसिस में कैसे यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी सीरीज जो जितने भी लेक्चर हमने दिए आपको जो है आपकी रिसर्च के लिए और आपकी जो है वो एजुकेशन में, आपकी एकेडमिया में, आपके पेपर के लिए जो है सारे के सारे जो है वो हेल्पफुल होंगे। अगर आप जीर इस तरह के बायोमेट्स के ऊपर लेक्चर सुनना चाह रहे हैं तो आप मेरा चैनल जिसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद नवीद, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको इसके ऊपर जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। और अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी सवाल है आपका, कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या बायोमेट्स से रिलेटेड, तो आप वहां पर पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच।